बंगाल की इस जंग में लगातार हर खबर हर अपडेट जी हिंदुस्तान आप तक पहुंचा रहा है। रैली स्टूडियो से मैं और मेरे साथ मेरे 44 रिपोर्टर अलग अलग 44 सीटों पर, लेकिन बंगाल चुनाव से जुड़ी इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा हम करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर को ममता बनर्जी के चुनावों का रणनीतिकार माना गया, उन्होंने खुद ये कबूल कर लिया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और मोदी के लिए जबरदस्त पॉपुलैरिटी, जिसके कारण उनकी सभाओं में जबरदस्त तरीके से भीड़ उमड़ रही है। प्रशांत किशोर ये बात एक पत्रकार के सवाल के जवाब में दे रहे थे, जो क्लब हाउस नाम के एक लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर दिया गया, और इस ऑडियो को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। जी हिंदुस्तान आपको अब वही ऑडियो सुना रहा है जो अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। सुनिए जरा बंगाल चुनाव से जुड़ा ये विस्फोटक खुलासा। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर। पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10% 15% 20% 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है, चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस है, कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और इस वक्त इस खबर पर मेरे साथ कैलाश विजयवर्गीय जुड़ गए हैं। कैलाश जी बहुत बहुत स्वागत और गुड मॉर्निंग। लेकिन इसके साथ ये समझ लीजिए कि खुद वो क्लब हाउस जो मोदी के लिए एंटी बात करता रहा, वो मान रहा है कि मोदी के लिए पॉपुलैरिटी ज्यादा है ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%। वास्तव में मोदी जी पॉपुलर तो है ही, पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो दुर्नीति है, जो कुशासन है, जो भ्रष्टाचार है, जो कोल माफिया है, जो सिंडिकेट राज है, और जो टोलाबाजी है, इस सब के खिलाफ जनता है। और ये कोई पोलराइजेशन नहीं है, इसमें सब लोग इसके बहुत हैं, और इसलिए ये पोलराइजेशन के नाम पर सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही। सिर्फ पोलराइजेशन नहीं है, पोलराइजेशन तो है ही नहीं, मैं मानता हूँ। यह ममता जी की सरकार के द्वारा 10 साल में प्रदेश की जनता का किया गया शोषण है, और उस शोषण के खिलाफ जनता खड़ी हुई है। और मैं समझता हूँ लोगों को विश्वास है कि इस दुशासन को अगर कुछ खत्म कर सकता है तो मोदी जी खत्म कर सकते हैं, मोदी जी की सरकार खत्म कर सकती है। प्रशांत किशोर वो नाम रहा जिन्होंने ममता दीदी का चुनावी रणनीति बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। आज वो खुद आकर कह रहे हैं कि ममता दीदी को इसमें मात खानी पड़ सकती है, एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है ममता दीदी। यानी ये हार की बौखलाहट, ये हार का कबूलनामा भी है, ये विस्फोटक खुलासा किया है मैंने अभी। निश्चित रूप से ये हार का कबूलनामा है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं और पहले राउंड के चुनाव से कह रहे हैं कि हम बहुत आगे हैं टीएमसी से, क्योंकि टीएमसी की जो रणनीति है वह डर्टी पॉलिटिक्स की है, और डर्टी पॉलिटिक्स लंबे समय तक नहीं चलती, और उस डर्टी पॉलिटिक्स के भागीदार हैं उनके रणनीतिकार भी, और इसलिए जनता उनको समझ गई है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया। इनका चेहरा बेनकाब है कैलाश जी, पर एक एक मैं आपको पूरा मामला समझाती हूँ। दरअसल क्लब हाउस करके एक चैट प्लेटफॉर्म है, उस पर बातचीत चल रही थी, उसमें तमाम वो लुटियंस के पत्रकार थे जो इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कैसी है, ममता दीदी कैसे जीत जाएगी। लेकिन उसी वक्त उसी सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर आकर कह देते हैं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि मोदी कैसे पॉपुलर है, मोदी बहुत पॉपुलर है, मोदी इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि अभी तक बंगाल ने बीजेपी का स्वाद ही नहीं चखा, तो वो एक फैक्टर है, लेकिन ममता दीदी एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है।